आज मैं आपको चौखट और खिड़की में पुट्टी करना है कैसे मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो लिया पानी, साफ पानी टीकरी, उसके बाद आप प्राइमर लगाइए, उसके बाद ये वाली पुट्टी कीजिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा सनमाइका की तरह। अब हम ज़्यादा करके इसीलिए बनाएंगे क्योंकि बहुत सारी खिड़की और बहुत सारे चौखट हैं। जैसे आप पुट्टी जो है हमेशा व्हाइट पेंट से ही बनाएं, ऐसे करके मिला लेंगे अच्छे से। और देखिए ऐसे मिलाते ही रहेंगे अच्छे से एकदम। इसका हम क्या करेंगे अब देखिए किस तरीके से हमने इसको बनाया। देखिए ये गिर रहा है नहीं गिर रहा, लेकिन पेस्ट की तरह हो गया एकदम। अब ये है वाइट पेंट, देखिए एशियन का, ये देखिए प्रीमियम एनामेल हाई ग्लोस, इसमें तारपिन तेल मिला हुआ ना हो यही आप डालेंगे। ये देखिए ये वाइट पेंट है, चाहे आप किसी भी कंपनी का हो डालिए, लोकल कंपनी ना हो बस यही वाइट पेंट इसमें डलेगा। हम लगभग 100-150 ग्राम हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे। हम इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे, बाद में हम तारपीन ऑयल से हाथ साफ कर लेंगे, पहले पानी से फिर तारपीन ऑयल से इसको ऐसे करके मिक्स करेंगे। अब
अभी लगभग लगभग 2 किलो चॉक पाउडर का पुट्टी बन रहा है। इसे हम लोग पक्की पुट्टी बोलते हैं। इसको हम दीवार में भी कर सकते हैं और चौखट खिड़की दरवाजे सारे पे कर सकते हैं। इसमें जब दीवार में करते हैं तो ये टचवुड भी डाल सकते हैं। ये देखिए टचवुड है, ये भी डाल सकते हैं। इसमें अच्छी शाइनिंग आती है क्योंकि इससे भी पकड़ मजबूत होती है। ये डाल सकते हैं इसमें। पहले के पेंटर लोग सफ़ेदा भी डालते थे दीवार की पुट्टी में, लेकिन इस वक्त तो हम अपने चौखट और खिड़की के लिए कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें इतना पेंट देना है ताकि हार्ड भी हो जाए और कटाई भी हो जाए। ज़्यादा भी पेंट नहीं देना है। जैसे हम पॉलिश के लिए पुट्टी बनाते हैं, ज़्यादा फेविकोल दोगे तो कटाई नहीं होगी, कम दोगे तो निकल जाएगी। उसी तरीके से ये पुट्टी भी बनानी है। अभी पुट्टी बड़ा प्यार से बनाए, जल्दीबाजी करेंगे। अब देखें कैसा कलर चेंज हो रहा है। अब हमने डिब्बे में इसको क्यों नहीं बनाया? डिब्बे में हमने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें लेकर काम करने में आसानी होगी। अब इसका कलर देखें, थोड़ा सा और पड़ेगा। लगभग 1 किलो चौक मिट्टी में आप 100 ग्राम पेंट दे सकते हैं। अब ये 2 किलो का पैकेट है तो हम इसमें कम से कम 150 से 200 ग्राम देंगे। देखिए थोड़ा सा और डालेंगे। हमारी इसी से ही पुट्टी तैयार हो जाएगी। यानी कि आपने ये जाना कि 2 किलो चौक मिट्टी में आपको 200 ग्राम पेंट इसमें डालना होगा। अगर आप 2 किलो चौक मिट्टी से पुट्टी बना रहे हैं तो आप 200 ग्राम पेंट दे सकते हैं। उससे ज़्यादा देंगे तो पुट्टी ख़राब हो जाएगी, उससे कम भी देंगे तब भी सही नहीं बनेगी, वो हार्ड नहीं बनेगा। अब इसी से ही बन जाएगा, बस इसको मिलाना है अच्छे से। अब ये बन के तैयार हो गई है। अगर शुरू में मैं पानी कम देता तो पेंट देने के बाद टाइट हो जाता, तो दोबारा हल्का सा 2-4 बूंद पानी फिर देना पड़ता, लेकिन आप देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 2 पुट्टी कीजिए, एकदम ज़बरदस्त आएगा। हल्का पत्ती मार के एक पुट्टी और कर दीजिए और ये मोल्डिंग के इधर गैप खुले नहीं रहने की। जितने भी जॉइंट है साफ भर जाएंगे इससे, और ये फालतू माल लगा नहीं रहना चाहिए। पट्टी जितनी सफाई से करेंगे उतनी बेहतरीन होगी।
ये मोल्डिंग का जो ज्वाइंट खुला है ये नहीं चलेगा, इसको भी भरना है। एक बार ना भरे दूसरी पट्टी में करिए, और कहीं पे भी फालतू माल एक्स्ट्रा भर के नहीं रखना। देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, इधर भी नहीं जा रहा है हिसाब से, ताकि कटाई करोगे तो सफाई रहेगी तो जल्दी होगी। दिखाओ थोड़ा करीब से, मोल्डिंग का क्या करेंगे। देखिए ये मोल्डिंग में शीशा नहीं लगेगा, इस साइड से उस साइड से लगेगा। ये देखिए इधर है शीशा, कील है, ये शीशा वाला लगाएगा। इसके मोल्डिंग के जॉइंट इधर बंद कर देंगे, वो भी एक्स्ट्रा माल नहीं लगाएंगे जितनी जरूरत है। मतलब कटाई के समय जब आप रेगमाल लगाएंगे और ये कील जो दिखाई दे रहे हैं आपके, ये जो बैठा हुआ अंदर, लेकिन इसको ऐसे हल्के से बंद करेंगे ऐसे। ये ग्रुप सारे बंद करेंगे, वो भी ऐसे नहीं कि मोटा मोटा रख दिया, शैतान की तरह काम नहीं करना है, अच्छे से करना है से। इसको भी खुला हो या ना हो, हल्का इसमें आप लगा दीजिए तो वो रेगमाल लगेगा तो फिनिश हो जाएगा। सारे कील के निशान पे ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक बार लगाओ, अगर थोड़ा खींच जाए तो जब डबल करेंगे पुट्टी उसमें फिर एक बार लगा दीजिए। ये देखिए मोल्डिंग फटी हुई है, इसमें हम थोड़ा सा ऐसे करके फिल कर देंगे इसको, बस ये देखिए ऐसे। और देखिए मोल्डिंग का कहीं जॉइंट खुला नहीं एक पुट्टी में। अब आप इधर आओ, चौखट को दिखा देते हैं थोड़ा करके, ऊपर देखो, नीचे तो सब कोई दिखाता है। ये देखिए मैं आपको चौखट भी करके दिखा देता हूँ, ऊपर का हिस्सा देखो, नीचे तो सभी करते हैं। ये देखिए किस तरीके से सफाई से, ये देखिए कितने भी बेकार लग रही हो जबरदस्त पुट्टी हो जाए। इतना ही पेंट दीजिए ताकि ये मजबूत भी हो, और इतना भी ज्यादा मत दीजिए कि फिर ये कटाएंगे ना। इसी के साथ से 2 किलो चौकोटी में 200 ग्राम पेंट दीजिए, और ऐसे करके एक्स्ट्रा माल इसको हटा दीजिए। ये देखिए सिंगल हो जाए बड़ी पत्ती उत्ती मारिए, और ऐसे करके इसके जो साइड ऐसे फील कर दीजिए इस तरीके, पूरा इसको हो गया बढ़िया ही इस तरीके से आपको चौपट करना। देखिए मैं इस चौकट में भी आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ, नीचे हो तो ऊपर का साइड का, कितना भी बेकार चौकट हो, देख रहे हो कितना ऊंचा नीचा है। ये प्राइमर लगने के बाद इसकी नस सारी खड़ी हो गई, उसमें ये सिर्फ उसी उस करना है, सिर्फ लकड़ी के नशों को करेंगे तो अच्छी बात है, या तो अंगूठा पहन लीजिए नहीं तो उंगली में छेद हो जाए, कहीं कोई लकड़ी का लग सकता है आपको। यहाँ तो ये लकड़ी का वो है सब, एक मोल्डिंग के साइड मोल्डिंग लग चुकी है, जब हमने सफाई किया तब मोल्डिंग भी था, सफाई कर दिया मोल्डिंग लग चुकी है ऐसे।
ये जो देख रहे हैं आप मोल्डिंग, ये भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, इसको भी हम ऐसे करके फिल करके फिर एक बार इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना ऊपर का ज्वाइंट खुला हुआ है, ये ज्वाइंट को हम क्या करेंगे, खींचते खींचते ये जो देख रहे हो ना, खींचते खींचते जो मोटा मोटा हो जाता है थोड़ा, उसको हम इसमें भर देंगे, जो भी बिरला पुट्टी भरने की कोई जरूरत नहीं, इसी को ही आप जब डबल करोगे तब एक बार भर दो ना, सेकंड तब एक बार उसी मोटे मात्रे में खींचते खींचते, जैसे ये सब दिखाई दे रहे हैं ना ये बड़े बड़े ज्वाइंट, इसी से ही भर जाएगा और ये अंदर तक भी चला जाता है और मोटा भी नहीं रहता। अब आप मोल्डिंग का कील करें, ये जो मोल्डिंग में कील लगाते हैं इसमें हल्का सा ऐसे फालतू नहीं लगाना, खाली इसके कहीं पे भी डिफेक्ट इस तरीके से आपको लगाना। हाँ, ये जो मोटा टूटा हुआ है इसको आप लोकी या बिरला पुट्टी से फिल कर दें, क्योंकि चौक पुट्टी इसमें रुकेगी नहीं इतनी बड़ी, कम से कम तीन चार बार करना तब रुकेगी, फिर भी मैं एक बार आपको इससे ही करके देता हूँ, इतना टूटा है फिर भी मैं इसी से ही आपको बनाऊँगा, ऐसे पेंट तो बहुत है रुकना चाहिए पुट्टी में, सही मात्रा में पेंट है इसको रुकना चाहिए। ये देखिए, जब भी कहीं ऐसे कोना बनाना होगा तो दोनों साइड से मान लगा के बहुत धीरज के साथ बनाना होगा, एक बार में ना हो दो बार है। ये देखिए, ठीक है, अब एक बार और बनाएंगे ये हो जाए, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा ज्वाइंट है, ये जो मोटा माल रह जाता है उसको आप ऐसे भर दो ऐसे बिल्कुल उंगली के दाब से, ताकि अंदर तक चला, ताकि अगर दोबारा होता ये सूख भी जाए दिखाई दे तो दूसरी बार में ये हो जाए इस तरीके ऐसे, ये देखिए ऐसे इसको करते चले जाए। जब आपको लगे कि इसमें भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा अलग से और थोड़ा सा पेंट दे के आप बड़े बड़े ज्वाइंट भी इस तरीके से आपको ये खींचते चले जाना, मोटा नहीं रखना है इस तरीके। जब ये साइड, जैसे ये साइड हो जाए और ये साइड हो जाए तो इस साइड को होगी से आज तक बस, फिर भी आपको एक बार और हमेशा ये मोल्डिंग का गैप खुला नहीं रहता, इसको इस तरीके से बंद कर। अब ये जो जगह है इसको हम ऐसे आहिस्ते से होली के साथ हो गया, हो गया 150 नंबर या 220 200 नंबर का वाटर प्रूफ रेगमाल यूज करिए नीचे से, और ये स्केच ब्राइट, ये मेरा साथी है, इसके बिना तो मेरा काम नहीं होता। मैं आपको सिर्फ पल्ले पे बोला था पेंट मार देना, ये पहले से डबल किया हुआ था, एकदम चिकना हो गया सरकार, एकदम मेरा हाथ स्लिप हो रहा है, इसमें इजी क्लीन लगाया था इसकी नस सारी खड़ी हो गई, लेकिन इसके लगाने से इतना स्मूथ हो गया ये, इसमें कोई रफ नहीं है। अब आप पेंट मारिए और देखिए कितना सही लगा, देखिए यहाँ पर भी जैसे कटिंग रहती है ना लकड़ी की, ये देखिए करीब से देखो, ये देखिए इस जगह पर भी हम जहाँ का टूटा फूटा हो तो रिपेयर बना सकते हैं, वरना प्राइमरी मार्केट होता है, हम उसमें भी क्या करेंगे इसी से ही करते हैं, इसी से इससे ऐसे मारेंगे कि स्मूथ हो जाए। या ये जो मोल्डिंग होता है इस पर पूरा पुट्टी नहीं भरना है, तो कहीं कहीं जैसे कील के निशान होते हैं वहां वहां करते हैं, लेकिन इसको भी इस तरीके से रखना है, एकदम देखो चिकना हो गया,
बस सिर्फ इन सब जगहों पे लगाना है। अच्छा, जो ये सीधा है इसको इस तरीके से, ये साइड में थोड़ा ऐसा पकड़ ये देखिए ऐसा इस तरीके से इसमें रहेगा। अच्छा हो गया, चाहे ऊपर हो ऊपर भी लगाएंगे। ये देखिए साइड में लगाना है ऐसे, इस तरीके से लगा लो। इसमें इतना सारा पेंट है कि उतना निकल भी नहीं रहा, रिस्मूथ हो गया ऐसे करके। अब मैं आपको पेंट मार के देता हूँ, इसको अब देखो भाई, मैं बड़ा बुरुष खराब नहीं करना चाहता और डब्बे के अंदर घुसेगा भी नहीं 3 इंच का बुरुष, इसलिए मैं इसी से ही लगा दिया मोल्डिंग में। और ये पेंट पता है ऐसे ही डिलक्स का, ये बहुत ही अच्छा है, ये भी बर्जर का भी अच्छा होता है, सब अच्छे होते हैं अपनी अपनी पसंद है। ऐसे में ज़्यादातर बर्जर का ही लगाता हूँ, लेकिन ये भी बढ़िया है। ऐसे लगता है आपका वेलवेट टच भी बहुत बेहतरीन होता है। इस तरीके से आप एक कोट लगा लीजिए, उसके बाद डबल कर देना। देखिए ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि ब्राउन पॉलिश हो रहा हो, बिल्कुल ब्राउन पॉलिश के जैसे लगे। अब जब आप इसमें डबल कोट मारें, फिर से रेगमाल लगाएं हल्का, ताकि इसका जो रफ है वो खत्म हो जाए। फिर अच्छे से तो 1 इंच का ब्रश है, इसलिए ज्यादा फिनिशिंग आ रही है। जब आप 2 इंच या 3 इंच के ब्रश से करेंगे तो एकदम चिकनास आ जाएगा। अनिल कपूर सर बोलते हैं ना, झक्कास। जब ये सूख जाए इसमें फिर आप रेग मारो, 320 का ही मारना भाई, 150-200 नंबर का मत मारना, वो वाटरप्रूफ 320 नंबर का लगाओ के फिर डबल करना, ठीक है। मुझे दिखाना था, अब मैं डबल ऐसे लगाएंगे, कितना सुंदर है। देखिए अब ये सूख चुका है, मैं आपको डबल करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप 320 नंबर का एक बार लगा दीजिए, डबल करने से पहले को ही आपको करके दिखा रहा हूँ। जब भी आप कहीं डबल करें तो ऐसे मैं क्या करूँगा, थोड़ा मॉडलिंग पे लगा दूँगा। ऐसे मिला लीजिए, इसके बाद फिनिशिंग की
ये ब्रश छोटा है, जब आप इस्तेमाल करें 2 इंच का करें ऐसी जगह पर, 3 इंच भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऐसे खिड़की के लिए, इसमें अच्छा फिनिशिंग आएगा। 1 इंच का ब्रश है, थोड़ा सा एरिया चलता है इसी वजह से। और पेंट में तारबिन तेल हिसाब से मिलाइएगा, मेरा तो पेंट काफी मोटा है, लेकिन आप जो है कि ब्रश भी अच्छे से चल जाए और पेंट भी ज़्यादा पतला ना हो, इस हिसाब से इसमें तारबिन तेल मिला दीजिए। ये हो गया आपका डबल, हो गया कंप्लीट। दिखा दो एक बार, ये फाइनल होने के बाद ऐसे है। जैसे यहाँ पर भी हमने पहले किया था फिंगर, यहाँ पर भी थोड़ा डबल करके दिखा रहे थे, चौखट में भी ये देखिए डबल होने के बाद कितना सुंदर आता है। सारे पे लगा के नहीं दिखाऊंगा, अब आप वीडियो देखना है उसमें सारा कुछ जान जाओगे कैसे क्या करना है। अब मुझे लगता है अब आप आराम से घर में पेंट कर पाओगे जिस तरीके से मैंने दिखाया, और आप लोग इतने सारे प्यार के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और पेंट में जो है केरोसिन ऑयल मत मिलाया करो, तारपिन तेल का ही इस्तेमाल करो, इसमें शाइनिंग अच्छी आती है। ये देखिए जब आप चौखट करेंगे ऐसे ही आएंगे जबरदस्त डबल होने के बाद। अगर आपको और शाइनिंग चाहिए तो इसमें टच वुड का एक हाथ मार दो लास्ट में, हल्का पेंट भी मिला दो उसमें, हल्का ब्राउन पन भी रहेगा,